तो चलो भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं सलमान भाई के बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी बनने जा रही और वाइल्ड यूनिवर्स की सेकंड कंटेंट यानी टाइगर 3 के बारे में। तो इन एक दो दिन से ना टाइगर 3 को लेके काफी सारे लोग काफी वीडियोस बना रहे, टीजर को लेके अपडेट दे रहे, इसको लेके अपडेट दे रहे, उसको लेके अपडेट दे रहे, मतलब टाइगर 3 के बारे में बता रहे हैं। तो इन दिनों से मैं काफी वीडियोस देख भी रहा हूं, आप लोगों की तरफ से काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं और आप लोग एक दो वीडियो भी मेरे को भेजे हैं और मैंने भी देखे हैं कुछ पर्सनली। तो उनके तरफ से टाइगर 3 के तरफ से जब अपडेट्स दिए जा रहे, टीजर के बारे में जब बताया जा रहा है, कुछ अपडेट्स ऐसे हैं जिनका कोई लिंक ही नहीं है लेकिन बता रहे हैं कि ये होने वाला है। तो मेरे हिसाब से वो जो अपडेट्स आप लोगों को देख रहे हैं वो अपडेट सही नहीं है। तो आज के इस वीडियो के अंदर वही मैं क्लियर करने वाला हूं कि जो अपडेट्स बता रहे वो एक्चुअली में क्या है और आप लोगों की तरफ से काफी ऐसे भाई लोग हैं जो कि उन अपडेट्स को सही मान भी रहे हैं। तो ये ही कारण है ये वीडियो बनाने का कि भाई ये जो अपडेट बता रहे टीजर को लेके कि हाँ भाई ये सीन है, इसके कारण ही ये हो रहा है, तो वही मैं क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के। तो आई होप कि इस टाइम पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, बट वीडियो को लास्ट तक देखो, ये जो कंफ्यूजन है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट। तो एक्चुअली में सीन ये है कि एक दो दिन से मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके तरफ से, कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं जी हाँ, उनके तरफ से टाइगर 3 को लेके अपडेट्स दिए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके अपडेट्स गलत है, ये मैं नहीं कह रहा, मैं खाली ये कह रहा हूँ कि बड़े यूट्यूबर्स जो होते जो अपडेट्स देते वो अगर सही होते, आप लोग मानते हो अभी से बात सही होते, तो हम जैसे थोड़े बहुत छोटे यूट्यूबर्स भी हैं वो भी सही अपडेट दे सकते हैं। तो उन लोगों की तरफ से जब अपडेट दिया गया, मैंने सुना कि हाँ भाई ये बता रहे, कुछ भाई लोगों ने ये क्लिप व्लिप भी मेरे को भेजा है कि भाई आप तो ये बता रहे थे लेकिन ये लोग तो ये बता रहे। तो जब मैंने ये चीज सुना ना, तो मेरे को लगा कि ये जो बता रहे वो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि मेरे पास वैसा कोई भी अपडेट नहीं है और जो रीजन बता रहे टीजर को डिले होने का, वो रीजन जो दे रहे वो रीजन तो बिल्कुल ही नहीं है। तो बता ये रहे है कि टाइगर 3 का जो टीजर है जो कि आने वाला था जो कि नहीं आया, उनका रीजन उन्होंने ये दिया कि भाई साहब 23 तारीख को शायद या फिर 22 तारीख को विकी कौशल का एक मूवी रिलीज हो रहा है, वाइरफ का ही वो मूवी है, शायद उस मूवी का नाम द ग्रेट इंडियन फैमिली है। बताया ये जा रहा है कि इस मूवी के वजह से टीजर को डिले किया गया है और इस मूवी के वजह से ही टाइगर 3 के किसी भी चीज को रिलीज नहीं किया है। बट मैंने जो आप लोगों को अपडेट दिया था वो कुछ अलग ही था। मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ सीन्स है जिनको उन लोगों ने पहले तो शूट कंप्लीट हो रखा था, लेकिन कुछ सीन्स है जिनको वो लोग फिर से रीशूट कर रहे हैं वो इस मूवी के अंदर। टाइगर 3 इस मूवी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जब आप लोग ये मूवी देखोगे उससे पहले भी शायद टीजर या फिर ट्रेलर के अंदर भी वो सीन्स को शायद अटैच किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा और भाई साहब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो सीन्स काफी इंपॉर्टेंट है एंड इसीलिए उसको रीशूट किया गया है। तो मेकर्स का यही कहना था कि कुछ सीन्स यहाँ पे बचे हुए, कुछ पैच लोग शूट यहाँ पे बचे हुए, तो उसको वो लोग पहले कंप्लीट करना चाहते, क्योंकि ये जो रिलीज डेट को लेके भी कुछ दिन पहले पंगा चल रहा था कि भाई नवंबर में दिवाली में नहीं आएगा, उसको पोस्टपोन किया जाएगा, इधर आएगा क्रिसमस में आएगा, 2024 में आएगा। तो वो चीज तो अब एकदम क्लियर है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आज सलार का पोस्टपोन भी हो चुका है कि सलार अब नहीं आने वाला, उन लोगों ने पोस्टपोन का जो रीजन है वो भी दे दिया है, आप लोग जाके चेक कर लेना, मैंने कम्युनिटी पे भी अपडेट कर दिया है। तो अब तो पूरा क्लियर है कि नवंबर के अंदर ही ये आने वाला, यानी दिवाली पे ही रिलीज होगा और वही डेट अभी मुझे लगता है कि वही होने वाला है। तो इन सभी चक्करों के बीच में ये चीजें कहा जा रहा था। तो मेकर्स ने यही चीज कहा था कि भाई साहब पहले हम अपना मूवी को कंप्लीट कर लेते, ये जो शूट वूट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही जाके हम कोई भी चीज आप लोगों को देंगे, यानी जो अपडेट्स है वो टीजर है, ट्रेलर है, गाने हैं, पोस्टर से, ग्लिम्स से, जो भी चीजें हम प्रोमो जो भी देंगे आप लोगों को वो देंगे, तो उसका एक परफेक्ट टाइम के हिसाब से हम देने वाले। तो कुछ ये जो मैंने बताया कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि नहीं भाई ये रीजन, और भी ऐसे काफी सारे लोगों की तरफ से टुकुर मुकुर मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया है जिनके तरफ से बताया गया है कि भाई टीजर इसीलिए नहीं आने वाला। तो भाई जो भी आप लोगों ने सुना है, जो भी आप लोगों ने देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो टीजर का डिले इन लोगों ने इसीलिए किया है क्योंकि शूट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही शूट कंप्लीट होगा और टीजर का जो मैंने आप लोगों को बताया कि अभी से काम स्टार्ट नहीं हुआ है और 2-3 दिन रुक जाओ, जैसे ही काम स्टार्ट होगा मेरे पास अपडेट आएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई टीजर का काम स्टार्ट हो चुका है एंड उसके बाद ही ना जो अपडेट है वो यू मिलने लगे। पहले स्टार्ट होने दो टीजर का काम, जैसे टीजर का काम स्टार्ट होता है आप लोगों को मैक्सिमम सितंबर के लास्ट तक 20-25 के बाद से अपडेट एकदम आना स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई टीजर का जो अनाउंसमेंट है वो इस महीने देखने को मिलेगा या तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। और मैं एक चीज में अभी से गारंटी बताऊं आप लोगों को कि अक्टूबर में आएगा टाइगर 3 का कुछ बहुत ही बड़ा और वो टीजर ही होगा। जी हाँ, टीजर ही होगा। और भी कुछ यहाँ पे बताया गया, सितंबर के लास्ट में इस मूवी का टीजर नहीं टाइगर 3 का टीजर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा नहीं होने वाला जितना मुझे बताए कि भाई साहब अगर हो जाता है सब कुछ सही तो आप लोगों को अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है एकदम लास्ट में सितंबर के, और नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में फर्स्ट वीक के अंदर ही
धमाका, यानी कह सकते हो कि टाइगर का जो भी चीजें है वो स्टार्ट हो जाएगा। और सलमान भाई के जितने भी फैंस है आप लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है टाइगर मेनिया। और उसके बाद भाई साहब जब तक मूवी रिलीज नहीं हो जाता बवाल होने वाला है पूरे इंटरनेट के अंदर, टाइगर 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 और टाइगर ही होने वाला है। तो टाइम आ चुका है, आप लोग रेडी हो जाओ धमाका करने के लिए। क्या कहने आप लोग इस विषय में मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये वीडियो बनाने का खाली रीजन यही था कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो रहे थे कि हाँ ये वो इसके वजह से ये मूवी आया, उसके वजह से ये नहीं, मतलब मुझे इन सभी में से सबसे फनीएस्ट रीजन कौन सा लगा बताए, ये जो मूवी रिलीज हो रहा है मतलब वायरफ का ही मूवी रिलीज हो रहा है विकी कौशल का, भाई इससे टाइगर 3 का क्या लिंक है? अगर टीजर रिलीज भी कर देते, मान लो कि सब कुछ रेडी था इसके वजह से नहीं हुआ, तो अगर रिलीज भी कर देते तो क्या इस मूवी में कोई फर्क पड़ता? मुझे तो नहीं लगता। और अगर इस मूवी के साथ भी टीजर अटैच करके रिलीज कर देते तो क्या फर्क पड़ता? मुझे लगता है और ज्यादा कलेक्शन आ जाता उस मूवी में। तो भाई वो जो लॉजिक दिए ना कि भाई इसकी मूवी के वजह से टाइगर 3 का कुछ भी रिलीज नहीं कर रहे, इसको रिलीज होने दो उसके बाद, तो ये रीजन तो मेरे को एकदम बकवास लगा। जो भी दे रहे बकवास रीजन है और कुछ भी नहीं है। क्या कहना आप लोग इस विषय में मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।